कैसे हैं आप सब। अरफा कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों से जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मतंजन की रेसिपी। तो एक रेसिपी हम शेयर करते हैं और बिल्कुल देगी स्टाइल में हम इंशाल्लाह बनाएंगे। ये देखें, ये हमने लहदा लहदा थोड़े थोड़े चावल निकाल के सबको हमने कलर कर दिए हैं। ये देखें, और इनको आप मिक्स कर लें। रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है। ठीक है, और ये देखें येलो कलर। तो चावल बॉईल करने के बाद आपने थोड़े थोड़े कटोरियों में लेके उनको मिक्स कर लेना। तो चलिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग 6 कप चावल हैं और उसके हिसाब से हमने 5 कप चीनी ली है। आप बराबर की क्वांटिटी भी रख सकते हैं अगर आपको मीठा कुछ ज़्यादा पसंद है, लेकिन 5 कप इनफ होते हैं उसके मिठास की क्वांटिटी में। 1 कप आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं, जो भी आपने ड्राई नट्स वगैरह डालने हैं। और चावल मैं ऑलरेडी बॉयल कर चुकी हूँ, और बॉयल करके 1 कटोरी इसमें घी जाएगा। और अब आपने घी के अंदर चावल डाल दिए। एक किलो में 1 किलो जाएंगे, ये 1.5 किलो है, तो मैंने 1.25 किलो चीनी का हिसाब रखा हुआ है। अब आपने इसको सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है, और साथ ही हम हल्का सा जो है एक खाने के चम्मच के बराबर मिर्चा छिलका ले देंगे, उससे ज़रा अच्छी और सॉफ्ट निकलती है। चावल ही डलते हैं, और मेरे पास भी इस वक्त सेला चावल ही है। अगर और जर्दा हमेशा सेला चावल का ही ज़्यादा अच्छा बनता है। घर में अगर आप बनाए तो आप दूसरे चावल को भी कर सकते हो। देखिए हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे डालने के लिए सारे कलर जो है हम इसमें डाल देंगे। वैसे बस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपने वॉश करके ये हमने रख लिए हुए हैं, ये अब हम इनको इसमें डाल देंगे। डालना हो वो आप इसमें डाल सकते हैं दम की बोलिए। अब आँच हल्की करके तो हम इसको 20-30 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी हमारा मतंजन जो है वो रेडी है। देखिए आप इसको सारे कलर से है बहुत अच्छे इसके ऊपर है। हम इसको डिश आउट करते हैं। जबरदस्त